जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के उरी और बारामूला से लश्कर के 8 आतंकी गिरफ्तार किए गए। आतंकियों के खिलाफ आर्मी और पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। 2 टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। उरी बारामूला से लश्कर के 8 आतंकी गिरफ्तार हुए। आर्मी और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में यह सफलता हाथ लगी। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए। अगर ये गोला बारूद भारी मात्रा में बरामद किए गए तो आप अंदाजा लगाइए कि घाटी में कैसे दहशत फैलाने की कोशिश ये दहशतगर्द कर रहे होंगे। और ये कोशिश को मुकम्मल कर पाते उससे पहले हमारे देश की सुरक्षा एजेंसीज ने इन्हें पकड़ लिया। अब ये 2 तस्वीरें, एक तरफ ये चेहरा झुकाए आतंकियों को देखिए, जिन तक पहुंचकर एक बड़ी कार्रवाई की गई हमारी सुरक्षा एजेंसीज की ओर से, और दूसरी तरफ आप उनसे बरामद किए गए गोला बारूद और हथियार देख लीजिए। कई सारे मोबाइल फोन बरामद किए गए जिसके माध्यम से ये अपने हैंडलर से जुड़े हुए थे। इसके अलावा पिस्टल आप देखिए कि हैंड ग्रेनेड, गोलियां, बहुत सारी चीजें, कुछ पैसे भी यहां पर कैश में बरामद किए गए, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर हम इसको फुल स्क्रीन चलाएं, क्या बरामद किया गया है उस तस्वीर में आप देख पाएंगे, बड़ी संख्या में आतंकी जो है वो गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि 8 आतंकियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। वहां पर जो सुरक्षा एजेंसी थी पुलिस के साथ मिलकर उसने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और ये दोनों तस्वीर आपको बता रही है कि कैसे 8 गिरफ्तारियां हुई और उनसे क्या क्या बरामद किया गया है। हमने 2 सक्सेसफुली मॉड्यूल्स को जो है बस्ट किया है। उसमें से पहली कार्रवाई जो है वो 8 अगस्त को हुई है, जिसमें बारामूला पुलिस और आर्मी 16 सिखलाई की ज्वाइंट फोर्सेस ने 3 क्रॉस बॉर्डर टेरर एसोसिएट्स को अरेस्ट किया है और उनसे जो है ग्रेनेड्स रिकवर किए हैं। आगे बढ़ते हुए 11 अगस्त को जो है पोवरिया थजल एक इलाका है जो उड़ी के इलाके में आता है, वहां पर भी बारामूला पुलिस और 16 सिखलाई की ज्वाइंट फोर्सेस ने एक और मॉड्यूल का जो है खुलासा किया है, जिसमें टोटल 5 लोग अरेस्टेड है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़े गए आतंकियों के मंसूबों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया। आतंकियों के मंसूबों को लेकर खुलासा ये कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं से इन्हें निर्देश मिलता था, घाटी में टारगेट किलिंग को बढ़ाना इनका मकसद था, एक्टिव आतंकियों तक हथियार पहुंचाने का टारगेट इन तमाम लोगों के पास था जो गिरफ्तार किए गए। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं से दहशत फैलाना चाहते थे आतंकी, लेकिन उससे पहले इनके मंसूबों को भांपते हुए जांच एजेंसियां इन तक पहुंची और अब कार्रवाइयां की जा रही। दोनों केसेस रजिस्टर हुए हैं, इसमें आज तक 8 लोगों की गिरफ्तारियां है और बड़ी मात्रा में जो है ग्रेनेड्स, पिस्टल्स, लाइव राउंड्स और इंडियन करेंसी जो है बरामद हुई है। इन दोनों मॉड्यूल्स की इन्वेस्टिगेशन जो है यूएलपीए और आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत चल रही है और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे ये जानकारी हासिल हुई है कि ये दोनों मॉड्यूल्स जो है ये पाकिस्तान बेस्ड टेरर हैंडलर्स के डायरेक्शंस के मुताबिक आर्म्स की स्मगलिंग में मुलव्वस थे और इनका मकसद ये था कि आर्म्स और अम्यूनिशन जो है ये कश्मीर में जो एक्टिव टेररिस्ट है उन तक पहुंचाई जाए और किसी ना किसी तरीके से टारगेटेड किलिंग्स, टेरर इनिशिएटेड इंसिडेंट्स को जो है अंजाम दिया जाए। अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये मॉड्यूल्स पिछले कुछ महीनों से एक्टिव थे, लेकिन इनका जो भी मकसद था वो पूरा ना हो सका बिकॉज ऑफ द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड जे एंड के पुलिस। सो द रिकवरीज एंड द अक्यूज विल बी प्रोड्यूस्ड टू यू इन शॉर्ट टाइम। और चलिए बहुत जल्दी से आपको बताते हैं कि टेरर मॉड्यूल पर बारामूला पुलिस ने आखिर क्या खुलासे किए हैं। बिंदु बार हम आपको समझाएंगे क्या खुलासे हुए हैं। देखिए, पुलिस ने 2 टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है जब इन 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया, इनसे बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पता चला कि ये 2 टेरर मॉड्यूल की ओर से संचालित किए जा रहे थे। लश्कर के कुल 8 आतंकी गिरफ्तार किए गए। 8 अगस्त को पहले टेरर मॉड्यूल में 3 गिरफ्तारियां हुई थी और उसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ते बढ़ते आज तक पहुंची, जब पूरा मिलाकर 8 जो आतंकी वो गिरफ्तार किए गए। 11 अगस्त को दूसरे टेरर मॉड्यूल में कुल 5 गिरफ्तारियां हुई थी। तो ये 2 मौकों पर गिरफ्तारियां की गई, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इनसे बरामद किए गए, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं।
और आतंकियों को पाकिस्तान से ये हथियार भेजे गए थे, ये बात भी खुलकर सामने आई है जब इन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। और हमारे सहयोगी साहिल सुहेल इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए श्रीनगर से। साहिल, 8 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, भारी संख्या में गोला बारूद बरामद हुआ है, तो इससे मंशा तो पता चलती है कि कैसे घाटी को दहलाने की साजिश ये लोग रच रहे होंगे, लेकिन जो 2 टेरर मॉड्यूल पता चले इनको लेकर क्या जानकारी, क्योंकि ये भी बात सामने आई है कि पाकिस्तान में कुछ हैंडलर्स बैठे हुए थे जो लगातार इन्हें निर्देशित कर रहे थे। देखिए, हमने देखा कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है जम्मू कश्मीर में, उनको बड़ी कामयाबी मिली है। जो उत्तरी कश्मीर का उरी इलाका है, बारामुल्ला का इलाका है, वहां पे ये 2 मॉड्यूल जो है वो काफी सक्रिय हुए थे और उनको बस्ट करने में सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पहले 8 अगस्त को कामयाबी मिली थी जब एक मॉड्यूल का इन्होंने बस्ट किया था, उसमें 3 जो लश्कर तैयबा के आतंकी समर्थक है उनको गिरफ्तार कर लिया और उस पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो काफी प्रोफेशनल तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू कर दी थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन के कारण ही जो दूसरा मॉड्यूल है उसको भी बस्ट करने में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी भी मिली और इस तरह से 8 लश्कर तैयबा के आतंकी समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके कब्जे से पिस्टल और हैंड ग्रेनेड्स जो है वो रिकवर हुए, जिससे मंशा साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि जिस पुलिस ने भी बताया और सूत्रों से भी पता चला है कि जो इनको टास्क था कि वो ये पिस्टल्स और ग्रेनेड जो है आतंकियों तक पहुंचाए। और ये देखा है हमने कि पिस्टल का इस्तेमाल टारगेट किलिंग में किया जा रहा है, पिछले साल भी हमने देखा किस तरह से टारगेट किलिंग्स हुई थी और ये पिस्टल का इस्तेमाल उन्हीं टारगेट किलिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। इससे पिछले दिनों ये भी देखने को मिला साहिल कि कैसे टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी और उससे दहशत फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी जो देश की पुलिस है या जवान है, वो लगातार इन मंसूबों पर पानी फेर रहे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।